तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो का थंबनेल आपने देखा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2019 स्टूडेंट को ट्रेनिंग कैसे देना है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेगा, पीएमजीदिशा स्टूडेंट को क्या सिखाना है, टोटल मटेरियल। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पीएमजीदिशा के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिए हो और कैंडिडेट भी एड कर लिए हो, मतलब स्टूडेंट को भी रजिस्ट्रेशन कर लिए हो, तो आपको उसको परीक्षण क्या देना है, शिक्षा क्या देना है, तो इन सब के बारे में बताएंगे। तो उससे पहले मैं अपना पोर्टल जो है लॉगिन करके दिखाएंगे आप सभी को। मैं लगभग 350 से ज़्यादा स्टूडेंट को पास करवा चुका हूँ और पेमेंट भी उठा चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो आप सभी को और आप आसानी से पीएमजीदिशा का काम कर पाओगे। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो जैसे लॉगिन होता है तो मेरा पूरा डिटेल्स जो शो करता है, मेरा प्रोफाइल शो कर देता है। तो हम चलेंगे अभी डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं, यहाँ देख सकते हो 401 स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन किए हैं, जिसमें टेस्ट कंप्लीट हुआ है 378 और 338 सर्टिफिकेट जो है मिल चुका है, ठीक है। और 338 सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट पास किया है उन सब का पेमेंट भी टोटल मिल चुका है, ठीक है। 338 × 300 गुना कर दीजिए आप, जितना होता है उतना पेमेंट मुझे सक्सेसफुली मिल चुका है। और ये काम मैं लगभग 2018 में कंप्लीट कर लिया था नवंबर तक। फिलहाल मैं फिर से शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो है इसका टारगेट बढ़ा दिया गया है। अभी 400 देखने को मिल रहा है, अभी आपको यहाँ 400 देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ 780 स्टूडेंट ऐड कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलिए सीधे टॉपिक में चलते हैं, क्या क्या आपको शिक्षा देना है स्टूडेंट को और बहुत सारी बेसिक जानकारी देने वाले हैं। तो इसके लिए आपको आ जाना है गूगल में, या फिर देख सकते हो गूगल में आने के बाद यहाँ आपको लिखना है पीएमजीदिशा ट्रेनिंग 2019। यहाँ देखिए सेम यही लिखना है, ठीक है, पीएमजीदिशा ट्रेनिंग मटेरियल 2019। अब एंटर दबाओगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ देख सकते हो फर्स्ट वाला लिंक आपको देख सकते हो 2019 एनी टाइम टिप्स, आपको इसमें क्लिक कर देना है, या फिर इसका लिंक जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको पूरी जानकारी मिलेगा, यहाँ स्टूडेंट को कैसे परीक्षण देना है, क्या क्या सिखाना है, कितना घंटा का कोर्स होता है, इन सब के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करोगे उस स्टूडेंट को 5 मेडल मिलेगा, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए 5 मेडल मिलेगा। जैसे कि यहाँ बताया गया है, पहला मेडल ये देखो, यहाँ पर लिखा गया डिजिटल उपकरणों का परिचय। इसका कोर्स जो है 2 घंटा का होता है, ठीक है, इस वाले फर्स्ट वाले मेडूल में 2 घंटा का है। सेकंड वाले देख सकते हो 4 घंटा का है, 3 नंबर देख सकते हो 2 घंटा का है, 4 नंबर देख सकते हो 6 घंटा का है, और 5 नंबर भी 6 घंटा का है, ठीक है। तो टोटल में जो है 20 घंटा आपको ट्रेनिंग देना है, इस जो भी स्टूडेंट आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, मतलब पीएमजीदिशा कैंडिडेट को, ठीक है। तो 20 घंटा आपको लगभग 10 दिन के अंदर ही कम्प्लीट करना है। तो आप 20 घंटा में जो भी सिखा पाते हो वो सिखा दो। अब सिखाने वाला चीज़ क्या रहा, जैसे कि यहाँ 5 मेडल दिया गया है, तो फर्स्ट वाले मेडल देखिए डिजिटल उपकरणों का परिचय, इस वाले मेडल में आपको क्या सिखाना है वो जानने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ देख सकते हो यहाँ लिखा गया है कि बताना है आपको कैंडिडेट को, स्टूडेंट को, कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के विभिन्न घटकों मतलब माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर आदि कैसे काम करता है, मॉनिटर क्या होता है, इन सब के बारे में बताना है, ठीक है। मैं आप सभी को और एक शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ, जो आपको इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा वो भी हम आपको बता रहे हैं बाद में। तो चलिए, उसके बाद आपको मोबाइल के बारे में भी बताना है, मोबाइल कैसे चलता है, मोबाइल क्या है, मोबाइल स्विच ऑफ कैसे होता है, स्विच ऑन कैसे होता है, टैबलेट क्या है, इन सब के बारे में जानकारी देना है। अब तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में आपको समझाना है, लेकिन कंप्यूटर के बारे में अगर समझाना जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब महीना भर लग जाएगा अगर आपको कंप्यूटर के बारे में सिखाना है तो, ठीक है, अच्छी तरह से सिखाना है तो। इसके लिए आपको यहाँ बताया गया है, यहाँ देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, अब यहाँ देखिए महत्वपूर्ण बातें, किस तरह सिखाना है, कौन सी चीज़ सिखाना है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि कंप्यूटर चालू करें, बताइए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर चालू बंद कैसे करता है, वो सब सिखाना है, मोबाइल कैसे बंद करता है, ऑन करता है, और भी बहुत कुछ, जैसे कि मोबाइल में एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, मोबाइल में भीम ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं, भीम ऐप में कैसे अकाउंट बनाते हैं, जीमेल में कैसे अकाउंट बनाते हैं, उन सब के बारे में बताना है, ठीक है। टैबलेट के बारे में भी सेम वही है, हाँ। और एक महत्वपूर्ण बात आप सुन के जाइए, देखिए आप जैसे यहाँ पर आओगे अपने पीएमजीदिशा के पोर्टल में, तो यहाँ एक अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, अपलोड पंचायत डॉक्यूमेंट्स, ये भी आपको कैसे अपलोड करना है, इन सब के बारे में आने वाले वीडियो में बताएंगे। आप यहाँ देख सकते हो मैं
मैं 20 फाइल अपलोड कर चुका हूँ। ये अपलोड करना पड़ता है पंचायत अपलोड वाला फाइल, क्योंकि अगर आप ये अपलोड नहीं करोगे तो आपका पेमेंट रुक सकता है। जैसे कि मेरा 40,000 रुपया था कि अटका हुआ था, पेमेंट नहीं मिल रहा था। जब ये पूरा अपलोड कर दिए उसके बाद लगभग 15-20 दिन बाद पूरा पेमेंट मिल गया। अब यहाँ देख सकते हो 12/2/2018 में मैंने ये अपलोड किया था, ठीक है। तब आप समझ सकते हो मैं कितना पहले ये काम कंप्लीट कर चुका था। और साथ में आपको ये भी जानकारी देंगे, अगर आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ देख पाओगी कि यहाँ ईमेल वेरीफाई कैसे करते हैं, वो भी फ्री में और बिना ओटीपी के जरिए, बिना मोबाइल नंबर के जरिए, ठीक है। और साथ में आउटकम कैसे कंप्लीट करना है, 5 ट्रांजेक्शन कैसे करना है, किसके अकाउंट से करना है, इन सबके बारे में जानकारी आने वाले वीडियो में, मतलब 3-4 दिन के अंदर सबके बारे में वीडियो बन जाएगा। तो आपको तो यहाँ ये पता चल रहा है कि मॉड्यूल नंबर 1 में क्या सिखाना है, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 1 में सिखाने के लिए आपको ये वीडियो देखना है। सबसे पहले आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप सभी कैंडिडेट, आपके पास जितना भी कैंडिडेट हो, पीएमजीदिशा का स्टूडेंट हो, 1 हो 2 हो 10 हो 100 हो, सबको एक साथ बिठा दो और लैपटॉप लगा के इस तरह इस वीडियो को ऑन कर दो, ठीक है। ये 27 मिनट का वीडियो है और ये वीडियो जो है खासकर पीएमजीदिशा के ओर से निकल रहा है। ये पीएमजीदिशा ही इस वीडियो को बनाया है ताकि ये वीडियो के द्वारा आप सभी कैंडिडेट को ट्रेनिंग दे सके, ठीक है। आप यहाँ देखोगे एक बच्चा आता है और यहाँ सीखने की कोशिश करता है, बहुत अच्छी तरह से समझाता है कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है। आप इसको बड़ा करके दिखाइएगा, वो सब कुछ आ जाएगा, जैसे कि रेल टिकट बुकिंग हो सकता है, कंप्यूटर से सब कुछ हो सकता है। तो ये सब सिखाया गया है इस वीडियो के अंदर। अगर आप ये वीडियो दिखा दोगे एक बार स्टूडेंट को तो लगभग वो स्टूडेंट 80% या फिर 85% तक सीख लेगा, बाद बाकी आपको सिखाना है, ठीक है। और साथ में कीबोर्ड मतलब टाइपिंग भी थोड़ा बहुत सिखा देना है, ठीक है। टाइपिंग भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, टाइपिंग करना भी सिखा देना होगा। हाँ, और एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, अगर आपने पीएमजीदिशा अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस आपको यहीं पर मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये भी पढ़े लिखा हुआ है, पीएमजीदिशा सेंटर कैसे रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ क्लिक करोगे यहाँ आपको वीडियो भी मिल जाएगा, यहाँ पर वीडियो भी आप देख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ एफिडेविट डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो उस टाइम एक एफिडेविट बना के अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ देखोगे ये वीडियो देख लोगे, इस वीडियो में लाइव आपको करके दिखाए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इस वीडियो में देखिएगा रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है, ठीक है। और साथ में एफिडेविट, यहाँ देखिए एफिडेविट डाउनलोड लिंक, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आप ये एफिडेविट डाउनलोड हो जाएगा गूगल ड्राइव में, ये है, ठीक है। यहाँ देखिए ये इस तरह से खुलेगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ देखिए एफिडेविट डाउनलोड कीजिएगा। अब यहाँ अपना ध्यान रखिएगा, आपका CSE ID चेंज कर दीजिएगा, साथ में आपका नाम चेंज कर दिया जाएगा कर दीजिएगा और साथ में एज जो भी है एज डाल लीजिएगा, आपका एड्रेस चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। जो मतलब बोल्ड कलर में है, जो बोल्ड में है वो आपको चेंज कर देना है, मतलब अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना पैन नंबर, अपना ये नाम, अपना CSE ID सब कुछ डालना है और इसे प्रिंट कर लेना है। फिर एक एक वकील पकड़ना है, वकील एक को बोलना है कि 100 रुपया का स्टाम्प पेपर लगवा के ये बना दीजिए, तो वो बना देगा, स्टाम्प लगा दीजिएगा, उसके बाद स्कैन करके आपको अपलोड करना है जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और साथ में आपको इस वीडियो में पता चला कि पीएमजीदिशा स्टूडेंट को कैसे ट्रेनिंग देना है। हालांकि इस वीडियो में पूरी जानकारी देना संभव नहीं है, क्योंकि ये 4 यहाँ पर 5 मॉड्यूल है, तो यहाँ इस वीडियो में आपको एक मॉड्यूल के बारे में पता चल गया क्या आपको जानकारी देना है। आपको 100% ये वीडियो सभी स्टूडेंट को दिखाना है, ठीक है, क्योंकि यही ट्रेनिंग का वीडियो है। आप तो संभव नहीं है कि स्टूडेंट को एक एक करके आप ट्रेनिंग दोगे, क्योंकि ये वीडियो दिखा दोगे सबको एक साथ बिठा करके तो वो समझ जाएगा कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है। और आने वाले वीडियो में इन चारों के बारे में वीडियो बनेगा। आने वाला वीडियो ये होगा, दूसरा नंबर वाला संचालन डिजिटल उपकरण, इसके बारे में वीडियो बनेगा, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, मतलब 5 वीडियो आने वाला है। इसलिए आप मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिला होगा, अगर मिल गया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते फिर एक नए वीडियो में नेटवर्क साथ, तब तक के लिए बाय बाय।